नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गुरुवार की शाम अपने खेत पर गए व्यक्ति का शव आज सुबह घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेतों में पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। शव मिलने की सूचना पर सीओ चांदपुर व नूरपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर के ग्राम जमालपुर कीरत निवासी साहिल अंसारी 55 वर्ष पुत्र निशार अहमद गुरुवार की शाम लगभग 5 बजे घर से अपने खेतों के लिए निकले थे। जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने काफी तलाश किया पर उनका कहीं पता नहीं चल सका। आज सुबह साहिल का शव घर से 1 किलोमीटर दूर खेतों में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर सीओ चांदपुर व नूरपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रधानी के चुनाव के चलते साहिल की हत्या हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। वहीं सीओ चांदपुर का कहना है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो वह पुलिस से बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नूरपुर से गुलफाम राजा की रिपोर्ट। ये प्रधानी चुनाव को लेकर आशंका लगाई जाती है, क्या ऐसा है इसमें? अभी इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है जी, मुकदमा लिख के अब इसमें जांच की जाएगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी। अभी तो लोगों को कहना है लेकिन जांच पे बात क्लियर हो पाएगी क्या मामला। अभी जैसे ये कह रहे हैं और गांव वाले भी कि प्रधानी नहीं, अभी तो आप लोग ये भी कह रहे हैं हमारी तो किसी दुश्मनी नहीं है, किसी पर शक भी नहीं कर रहे हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि साहब लगता है प्रधानिक चुनाव को लेके है, दो लोग खड़े हैं तो उसमें जांच की जाएगी, जो भी होगा सामने आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी।